आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। क्या होता है मैट्रिसेस, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने बोर्ड के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख रखा है, राम हैज 2 मैंगोज एंड 3 ऑरेंजेस, श्याम हैज 5 मैंगोज एंड 2 ऑरेंजेस एंड सीता हैज 4 मैंगोज एंड 2 ऑरेंजेस। दिखने में कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लग रहा है। इस स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कैसे। देखिए जरा, मैंने इस इंफॉर्मेशन में को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। हॉरिजॉन्टली मैंने पर्सन को प्लेस किया है और वर्टिकली मैंने फ्रूट की क्वांटिटीज को प्लेस किया है। इस रिप्रेजेंटेशन से हमारे को डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि श्याम के पास में मैंगोज की क्वांटिटी कितनी है और ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी है, राम के पास में मैंगोज की क्वांटिटी कितनी है और ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी है। हम यहाँ पर फ्रूट को हॉरिजॉन्टली और पर्सन को वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता या इसमें यदि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो जाते, लेकिन इस फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इजी है। इसी फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिस है क्या, मैट्रिस एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का या डेटा का रोज और कॉलम में रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हॉरिजॉन्टली प्लेस डेटा को हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और वर्टिकली प्लेस डेटा को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। आपके सामने यहाँ पर 3 रो है। फर्स्ट रो को मैं R1 से डिनोट कर सकता हूँ, सेकेंड रो को मैं R2 से डिनोट कर सकता हूँ, थर्ड रो को मैं R3 से डिनोट कर सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम को मैं C1 से डिनोट कर सकता हूँ, सेकेंड कॉलम को मैं C2 से डिनोट कर सकता हूँ। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने भी हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स या फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो देखते हैं मैट्रिक्स की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर डेटा को रोज और कॉलम में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसके एलिमेंट जो हैं वो स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर इस 4 को मैट्रिक्स का एक एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि मैट्रिक्स में जो अंदर एंट्रीज होगी उनको एलिमेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे का मतलब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में अरेन्ज करेंगे। मैट्रिक्स एक अरेन्जमेंट है। अब देखते हैं मैट्रिक्स का और आपके डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होता है।
जैसे आपने अपनी मार्कशीट देखी होगी, मार्कशीट में भी डेटा आपके एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। रेलवे का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें भी मैट्रिक्स का यूज होता है। हम अपने चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स की एप्लीकेशन के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। चलिए अब मैट्रिक्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जनरल रूप फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मैट्रिक्स का, जिसके अंदर मैंने नंबर ऑफ रोज तो एम ली है और नंबर ऑफ कॉलम हमने एम लिए हैं। अभी आपको बताया मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और डेटा को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते हैं। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको आप स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं एलिमेंट की पोजीशन भी यहां डिनोट करना चाहूं तो मैं ईच एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में कुछ नंबर लिख सकता हूं, जैसे ये एलिमेंट फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो मैं इसके नीचे यहां पर 1-1 से डिनोट कर सकता हूं। 1-1 का मतलब है ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एन कॉलम, ये एलिमेंट सेकेंड रो का है सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम nth कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो mth रो। इस एलिमेंट की लोकेशन भी हम बता सकते हैं, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा A21 से, A22 से, A23 से, A21 से। इसी तरह से हम थर्ड रो के भी एलिमेंट लिख सकते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम, m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकेंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम, m रो nth कॉलम। तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट की पोजीशन को हम सबस्क्रिप्ट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने A51 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ ये एलिमेंट फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। मैं यहां पर एक आइथ रो और प्लेस कर दूं और यहां पर मैं अगर जेथ कॉलम और प्लेस कर दूं तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए जरा। ए फर्स्ट रो जेथ कॉलम, ए सेकेंड रो जेथ कॉलम, ए थर्ड रो जेथ कॉलम, ए आइथ रो फर्स्ट कॉलम,
ए आइथ रो सेकेंड कॉलम, ए आइथ रो थर्ड कॉलम, ए आइथ रो जेथ कॉलम, ए आइथ रो एनथ कॉलम, ए एमथ रो जेथ कॉलम। आपके सामने ये मैट्रिक्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट को लिख रखा है और एलिमेंट की पोजीशन को बता रखा है। इसी पूरे फॉर्मेट को हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर ये एलिमेंट ऐसे डिनोट होते हैं। ए आई जे को क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ आइथ रो एंड जेथ कॉलम, यानी कि फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जो ए आई जे लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि ये एलिमेंट आइथ रो और जेथ कॉलम को डिनोट करता है। जैसे आपके सामने ये 3-3 लिखा है इसका मतलब ये है कि ये थर्ड रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अब एक बात और समझते हैं कि ये चीज क्या है, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारे को ये बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने कॉलम है। फर्स्ट नंबर तो नंबर ऑफ रो को डिनोट करेगा, सेकेंड नंबर नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। इसे ऐसे पढ़ते हैं एम बाई एन, एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि आपको टू क्रॉस टू ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखनी हो तो इसका मतलब ये होगा उस मैट्रिक्स में दो रो होगी और दो कॉलम होंगे। तो हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। देखिए जरा इसमें दो तो रो है और दो ही कॉलम है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2x2। यदि हमारे पास में मैट्रिक्स का ऑर्डर अवेलेबल है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये भी हम बता सकते हैं। जैसे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे तो इन सिंपली क्या करना है आपको, इन ऑर्डर वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज एम मल्टी एन। जैसे यहां पर यदि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। देख लीजिए यहां पर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। एक बार वापिस से देखते हैं इसको। ये रिप्रेजेंटेशन एक जनरल मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ रोज एम ली है और नंबर ऑफ कॉलम हमने एन लिए है, यानी कि यहां पर एम रो है और एन कॉलम है। इन एम रो और एन कॉलम के जो एलिमेंट है इनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। जनरली मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम एक सिंपल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां फर्स्ट नंबर रो को डिनोट करेगा, सेकेंड नंबर कॉलम को डिनोट करेगा। ए आई जे का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो आइथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। ए टू टू लिखा है इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। मैट्रिक्स के रेक्टेंगुलर बॉक्स के नीचे यहां पर ऑर्डर लिखते हैं जिसे हम पढ़ते हैं एम बाई एन।
एम नंबर ऑफ रोज को बताता है, एन नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होता है तो हम ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें दो तो रो है और दो कॉलम है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे तो हमारे को क्या करना है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर 2x2 है तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड ए मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, उसके एलिमेंट इस फॉर्मूले से गिवन है। मतलब आपको क्या करना है, आई और जे की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और जो एलिमेंट आएंगे उनको उनसे आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 2x2 की एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो, 2x2। टू क्रॉस टू का मतलब है उसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं। इसका मतलब आपको 4 एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। जब आप A11 कैलकुलेट करोगे तो I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 1। फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो A11 कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1। तो 1/2 सोल्व करते हैं इसको, 2-3 1/2, 2-3 करेंगे तो माइनस का वन का मोड क्या होता है, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। A12 आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 2। आई की वैल्यू वन जे की वैल्यू टू। तो 1/2 2x1 -3x2। 1/2 2-6 1/2 -4 -4 का मोड क्या होता है, 4। 4/2 A21 के लिए I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1। A21 1/2 2x2 -3x1। 1/2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 1/2 1 का मोड क्या होता है, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 1/2 A22 I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 2। तो आई और जे दोनों 2-2 है तो A22 1/2 आई की वैल्यू 2 रखनी है और जे की वैल्यू भी 2 रखनी है। तो 1/2 4-6 1/2 -2 और -2 का मोड क्या होता है, 2। सिंपली 1। इस तरह से आपके पास में 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। एलिमेंट लिख दीजिए, 1-1 आया आपके पास 1/2, 1-2 आया 2, 2-1 आया 1/2 और 2-2 आया 1। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला रो मैट्रिक्स, किसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, कॉलम कितने भी हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ओनली 1 रो हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स में 1 रो है और 3 कॉलम है तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। इसका मतलब हमेशा रो मैट्रिक्स इस टाइप की होगी, अंदर रो तो एक ही होंगी, कॉलम आप कितने भी लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो
जिसमें ओनली वन कॉलम हो, रो कितनी भी हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे थ्री रो है और वन कॉलम है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड टाइप की मैट्रिक्स देखते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्री जो है वो जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। नल मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज कैसी हो, जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर हो गया 2x2, इसका ऑर्डर हो गया 3x2। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऑल एंट्रीज, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। फोर टाइप देखते हैं। फोर टाइप क्या है आपके? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, फोर है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से भी ध्यान पड़ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो m इज इक्वल टू n होगा। मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो हो उतने के उतने अगर कॉलम होंगे तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे A11, A12, A21, A22, ये एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आप देख रहे हैं ये एक 3x3 की क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो इन एंट्रीज में i और j की वैल्यूज इक्वल है, i इज इक्वल टू j है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो गए? A11, A22, A33। प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। मैट्रिक्स में ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्रिंसिपल डायगोनल होगा। जब मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तो प्रिंसिपल डायगोनल का मीनिंग नहीं है। तो A11, A22 और A33 को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल के अबो एलिमेंट है वहां पर आई की वैल्यू जो है वो जे से कम है। I1 है, J2 है, I1 है, J3। तो I की वैल्यू J से कम है और यहां सब के प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट है वहां पर I की वैल्यू जो है वो J से बड़ी है। तो एक बार और देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2x2, 3x3, 4x4 आपके सिलेबस में नहीं है, 2x2, 3x3 तक आपको पढ़ना है। और
A11, A22, A33 को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। यहाँ भी A11, A22 को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5। डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ए आई जे जीरो होगा कब होगा, जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, तो इन वाली जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है वहां पर आई जे इक्वल नहीं होते, प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट है वहां भी आई और जे इक्वल नहीं होते, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी आई ए जी ऑफ 2, 3, 4। इसको जब आप अच्छे से लिखेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो फिफ्थ टाइप हो गया मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अनइक्वल होंगे तो उसको डायगोनल बोलेंगे, और जब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसे भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन से बता सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एलिमेंट जीरो होते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे बराबर तो जीरो जब I is not equal to J हो इनके और इनके लिए, और ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब I क्या हो, J के इक्वल हो। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। या 2, 2 के जगह पर 5, 5, 5 भी हो सकता है, 7, 7, 7 भी हो सकता है, 9, 9, 9 भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से डिनोट करते हैं, सबसे ज्यादा काम आएगी ये आगे क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा काम आती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के अलोंग ही लिखी जाएगी। तो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो 1, 1 होते हैं, बाकी की एंट्रीज क्या होती है, जीरो। तो ये सेकेंड ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये थर्ड ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक
ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल के एलिमेंट तो जीरो होते हैं और डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, वन होते हैं। या आप स्केलर मैट्रिक्स से भी डेफिनेशन दे सकते हो। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, वन वन होते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड एलिमेंट इन डायगोनल आर वन। नॉन डायगोनल एलिमेंट तो क्या होंगे, जीरो होंगे और डायगोनल के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, वन होंगे।